यस क्लास फोर स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास बेटा। वी फिनिश्ड एक्सरसाइज 2.1। 2.1 हमने फिनिश कर दी थी और अब आज हम करेंगे 2.2, है ना। 2.2 में सबसे पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन? तो इसमें हमें क्या गिवन है, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी गिवन है वो ये है कि अगर हम कोई भी दो नंबर्स या थ्री नंबर्स कुछ भी प्लस करें, अगर जैसे मैं लिखा 2 + 3 + 5 तो कितना आएगा बेटा, 5 + 3 8, 8 + 2 10, है ना। अगर हम इनके ऑर्डर्स को चेंज कर दें, जैसे सबसे पहले यहाँ 2 था, यहाँ पे इसकी जगह 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, या फिर 5 पहले आ गया फिर 2 आ गया और फिर 3 आ गया, ठीक है। तो चाहे हम किसी भी ऑर्डर पे नंबर लिखें, जो सेम नंबर्स हैं उनको हम किसी भी ऑर्डर पे लिखें तो भी क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। देख लीजिए, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 3 + 5 8, 8 + 2 10, हो गया क्लियर आपको ना। चाहे हम 2 + 5 + 3 लिख लें, देखिए मैंने इसको 4 पैटर्न्स में लिखा तो भी आंसर कितना आ रहा है, 10। तो ये तो आपकी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। एक तो हम नंबर्स चेंज करें, दूसरा देखिए पहले मैंने ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या दी हुई है बेटा, ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, यानी जब दो कोई भी नंबर्स हुए, जैसे 2 + 3 था तो इसको 5 आया, अब आप चाहे 3 + 2 लिख लीजिए तो भी 5 आएगा, ऐसे ही 5 + 1 6 या 1 + 5 6, है ना। तो ये तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। और सेकेंड प्रॉपर्टी में मैंने आपको ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी सिखाई है कि जैसे यहाँ पे पहले 2 + 3 करा, फिर उसका जो आंसर आया 5 + 5 10, ऐसे ही पहले 3 + 5 किया 8 और फिर 8 + 2 10, 5 + 2 किया 7 और 7 + 3 10, 2 + 5 किया 7 + 3 10। यानी मैं चाहे नंबर्स के ग्रुप्स चेंज कर दूँ, चाहे 2 को 3 के साथ कर दूँ या 3 को 5 के साथ प्लस करके फिर उसी नंबर से प्लस कर, तो आंसर्स फिर भी सेम आएंगे, है ना। तो दो प्रॉपर्टी तो ये होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपने यहाँ पर, कि अगर आप किसी भी नंबर को जब 0 से ऐड करते हो तो जो नंबर होता है वो सेम नंबर ही उसका सम होता है। 0 को जिससे प्लस करोगे वो ही नंबर आपका सम यानी आंसर होगा। दूसरा, जब भी आप किसी भी नंबर को 1 से प्लस करोगे, ठीक है, तो जो इसका सम होगा वो उस नंबर का सक्सेसर होगा। क्या होगा, सक्सेसर, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अब आप आ जाइए, ये चार प्रॉपर्टीज़ थी, क्या थी, फोर प्रॉपर्टीज़। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमको क्या गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके प्लस करना है। तो आपको पता है जब भी कोई नंबर 1 से प्लस होता है तो जो सम होगा उसका आंसर होगा वो उस नंबर का सक्सेसर होगा। सक्सेसर यानी व्हाट कम्स आफ्टर, तो 2,64,399 के साथ आपने 1 प्लस किया तो 399 किस का सक्सेसर क्या होगा, 400, यानी 2,64,400, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सेम यहाँ पे 309 है और प्लस 1 है तो 309 का सक्सेसर क्या होगा, 310, 64,310। सेम हियर फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ है, तो मैंने आपको ए और सी समझा दिए, बी का आंसर आप खुद करेंगे कि इसमें क्या होगा प्लस 1 करने के बाद में, ठीक है। ऐसे ही डी में क्या दिया है, 0 के साथ प्लस किया, जब भी कोई नंबर 0 के साथ प्लस होता है तो आपको पता है कि जो नंबर होता है वो सेम नंबर ही उसका आंसर होता है, सम होता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ईजी है, दो प्रॉपर्टीज थी, एडिंग 0 टू अ नंबर, एडिंग 1 टू अ नंबर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है, एड द फॉलोइंग पेयर्स एंड कंपेयर द सम, क्या करना है, पहले तो जो गिवन नंबर है उनको प्लस कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद में जो इनका सम आएगा, जो इसका आंसर आएगा, उनके दोनों के आंसर्स को हमें कंपेयर करना है कि वो आंसर सेम है क्या है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में जो फर्स्ट है इसमें क्या दिया है, 22,450 प्लस 5,67,225, और यहाँ पर देखिए इसके साथ में जो दूसरा पेयर गिवन है, 5,67,225 प्लस 22,450, यानी नंबर सेम है, बस उससे क्या चेंज हो गए, ऑर्डर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले देखी थी ना, ऑर्डर ऑफ द नंबर यानी नंबर्स की पोजीशन चेंज कर दो तो भी आंसर क्या आता है, सेम आता है। 2 + 3 5, 3 + 2 5, यानी जब भी हम दो दो को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा सम क्या आएगा, सेम आएगा। देख लीजिए, एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, 22,450
एंड 5,67,225, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको जो गिवन है सेम वही पेयर है, बस इसमें नंबर्स की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, हो गई है। अब प्लस कर दीजिए आप, 0 + 5 = 5, 5 + 2 = 7, 4 + 2 = 6, 2 + 7 = 9, 2 + 6 = 8, और ये 5, यानी 5,89,675। अब साइड में देखिए, 5 + 0 = 5, 2 + 5 = 7, 2 + 4 = 6, 7 + 2 = 9, 2 + 6 = 8, और ये 5,89,675। अब जब आप इनके ये सम को कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो आपने क्या देखा कि आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। तो जब आप कॉपी में करेंगे तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को बिल्कुल आमने सामने लिखेंगे, सम आमने सामने इसका आना चाहिए, और यहाँ एक बॉक्स बना के इक्वल का साइन लगाएंगे, यानी ये दोनों जो आंसर्स आए हैं वो क्या हैं, बिल्कुल सेम आए। दूसरा, नंबर्स एक ही सीक्वेंस में आने चाहिए, जैसे बुक्स में आप देखते हो यहाँ पे हमने किया था ना, एक ही लाइन में क्या थे हमारे नंबर्स, बिल्कुल एक ही कॉलम में गिवन थे, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 यहाँ है, 8 यहाँ डांस कर रहा है, 5 यहाँ डांस कर रहा है, बिल्कुल ऐसे नहीं, एक लाइन में आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, आ गया समझ में। अब इसी का चलिए एक और करा देती हूँ मैं आपको, जैसे बी गिवन है, तो बी में क्या देखा, 8,46,577 + 2,39,853। सेम साइड में गिवन है, बस नंबर्स की पोजीशन चेंज है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ 8,46,577 + 2,39,853। अब आपने देखा मेरे सारे नंबर एक दूसरे के नीचे हैं, आंसर्स भी जब आएंगे तो बिल्कुल इसके क्या आएंगे, नीचे ही आपको लिखने हैं। तो 7 + 3 कितना होता है, 10, 0, 1 कैरी, है ना। अच्छा, अब 1 + 7 = 8, और 8 + 5 हो गया 13, 3, 1 कैरी। प्लस करना तो आता होगा, यस, क्योंकि आप ये UKG क्लास से करते हुए आ रहे हैं। सो 1 + 5 = 6, और 6 + 8 कितना होता है, 14, 4 इधर आ गया, ये आ गया 1 कैरी। 1 + 6 = 7, और 7 के साथ 9 प्लस कर दीजिए आप फटाफट, यस 16, ये आ गया। अब 1 + 4 = 5, और 5 + 3 = 8, 8 + 2 = 10। तो क्या देखा आपने, 10,86,430। दूसरे में हमारे जो नंबर्स की पोजीशन देखिए क्या चेंज हुई है, कि 2,39,853 तो है ऊपर, और 8,46,577 है नीचे। सेम प्लस कर लीजिए, और यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, ये बॉक्स आप डिफरेंट कलर से, यानी ये इसका कलर आप बॉक्स का चेंज कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ कंपेयरिंग हो रही है। वही 7 + 3 = 10, 1 कैरी। अच्छा, 7 + 5 = 12 + 1 = 13, 3, 1 कैरी। 1 + 8 = 9, 9 + 5 = 14, 4, 1 कैरी। 1 + 9 = 10, 10 + 6 = 16, 1 कैरी, ठीक है। 1 + 3 = 4 + 4 = 8, और 2 + 8 = 10। मैंने क्या देखा, 10,86,430 है ना। नंबर्स के आगे सेम, यानी कंपेयर किया तो इक्वल हमारा सम है, बहुत इजी है। अब आप इसके सी और डी, जिनके पास बुक्स नहीं है वो कोई बहाना नहीं करेंगे कि मैम हमारे पास बुक्स नहीं थी, ये नहीं था। देखिए, मैंने आपको ये, अब आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, आपको कह ही नहीं सकते मैम हमारे पास बुक नहीं थी, ये देखिए बुक में मैंने आपको क्वेश्चंस दिखा दिया है। तो सी और डी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अब उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 किस में करेंगे, इसके आंसर्स को बुक में करेंगे, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है सिर्फ वही बच्चे नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2.2 का, इसे किस में करना है, बुक में। जिसके पास बुक नहीं है वही नोटबुक में करेंगे, और बुक में कोई भी पेन यूज़ नहीं करेगा, सभी बच्चे बुक में हमेशा पेंसिल ही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी तो आप लिखेंगे, क्लास वर्क करके सॉल्व करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ही क्वेश्चन नंबर 2 का सी एंड डी होमवर्क लिखकर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपके आंसर्स में डिफरेंस आ रहा है सम में इन दोनों के, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है, तभी है, वरना आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, क्योंकि हमने अभी भी ऑर्डर ऑफ द नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमने देखा 3 नंबर्स गिवन है, तो यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स
की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो आज हमने चार प्रॉपर्टी देखी, एक तो देखी ऑर्डर ऑफ द नंबर, सेकंड देखी ग्रुपिंग ऑफ द नंबर, थर्ड देखी एडिंग जीरो टू अ नंबर एंड फोर्थ थी एडिंग वन टू अ नंबर। और आज हमने थ्री प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पे अभी यूज़ कर ली, फोर्थ वन अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके बेटा, सो टेक केयर एट योर होम, बाय।